रिश्वत न मिलने पर कैसे वर्दी वाले बने गुंडे, फिर जनता ने सिखाया सबक। बांसवाड़ा में थानाधिकारी की कार से मासूम की मौत, परिजनों के हाईवे पर लगाया जाम। तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को उड़ाया, एक की मौत, पांच घायल। अब खबरें विस्तार से। रिश्वत न मिलने पर पुलिस वालों की गुंडागर्दी, फरीदाबाद जिले में खाकी की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। रिश्वत न मिलने पर पुलिस वाले ने एक ऑटो ड्राइवर को इतना पीटा कि उसका हाथ ही टूट गया। इतना ही नहीं, उसके साथ तीन और चार होमगार्ड ने भी ऑटो चालक पर हाथ साफ किया है। बिना गलती के ऑटो चालक की है पिटाई। वही घटना के चश्मदीदों का कहना है कि पुलिस ऑटो चालक को ट्रैफिक बूथ के अंदर ले जाकर पिटा है। गुस्साई भीड़ ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पिटा है। पुलिस की हरकत को देख गुस्साई भीड़ और पीड़ित के परिजनों ने होमगार्ड को दौड़ा दौड़ा कर बुरी तरह से पीटा है। बांसवाड़ा दानपुर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित छलिया बड़ी के समीप सड़क हादसा हुआ है, जहां दानपुर थाना अधिकारी ने अपनी निजी कार से एक मासूम बच्ची को टक्कर मार दी है। हादसे में मासूम की जगह पर ही मौत हो गई है। थाना अधिकारी अभी तक फरार है। तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को उड़ाया, एक की मौत, पांच घायल। औरंगाबाद तेज रफ्तार से आने वाले ट्रक ने रास्ते में आने वाले कई गाड़ियों को घसीट कर ले जाने के बाद एक की मौत हो गई है और पांच घायल बताए गए हैं। मृतक की पहचान न्यू नंदनवन कॉलोनी के शेख मोहसिन शेख आमीन और उम्र 26 के रूप में हुई है। यह घटना औरंगाबाद के चेलीपुर में मंगलवार को हुई है। इसके बाद ट्रक ड्राइवर गाड़ी से उतरकर भागने लगा, तभी लोगों ने उसका पीछा कर उसे जमकर पीटा है। चेलापुरा से शाहगंज से ये इलाके तक ट्रक ने चलाते हुए कई ट्रकों को टक्कर मारी है। ट्रक ने पांच रिक्शों के साथ नौ से ज्यादा टू व्हीलर को घसीट कर टक्कर मारते हुए एक की मौत हो गई है और इसमें प्राथमिक जानकारी के अनुसार पांच लोग घायल हुए हैं। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक